को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश, लेकिन सरकार ने ठंडी खुई यानी कि सरोर टोल प्लाजा को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा ही माना जा रहा है। इस टोल प्लाजा को बंद करने के साथ साथ लखनपुर टोल प्लाजा में टोल की जो दरें हैं वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि नई दरें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन इस वक्त आप समझिए कि जम्मू की जनता में काफी उत्साह है, खुशी है, क्योंकि इस टोल प्लाजा को बंद करने के लिए काफी मुशक्कत जो है वो यहां जम्मू के लोगों ने की है कि ये सरोर टोल प्लाजा यहां पर बंद होना चाहिए। लेकिन अगर गणतंत्र दिवस के दिन ये बड़ी सौगात आम जनता को यहां पर दी गई है तो खुशी का ठिकाना नहीं है आम लोगों का। लेकिन उस बीच में जो टोल प्लाजा की दरें हैं उन्हें बढ़ाने की बात कही गई है कि लखनपुर के अंदर जो टोल प्लाजा है वहां पर दरें बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन किस तरह से ये दरें रहेंगी इस पर भी चर्चा करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आम जनता के अंदर काफी खुशी जो है वो देखी गई है। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कितनी खुशी लोगों के अंदर, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस भी है और उसके साथ साथ जो लंबा संघर्ष यहाँ टोल प्लाजा को लेकर किया गया था उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया है। देखिए, पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं, पूरे देशवासियों को हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले तो शुभकामनाएं आज के दिवस को लेकर। और कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम जो है वो लगता हुआ नजर आया है, जिसको लेकर लंबा इंतजार था, जिसको संघर्ष भी किया गया था, जिसको लेकर चाहे वो जम्मू के लोग थे चाहे वो सांबा के लोग थे, तमाम लोगों ने वो संघर्ष किया और जिसमें उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि इस सरोर टोल प्लाजा पर जो है वो प्रतिबंध लगना चाहिए। और वहीं पर भारत सरकार ने ये एक अहम फैसला लिया है और इस अहम फैसले में उन्होंने साफ जाहिर किया है, जिसमें पूरी तरह से वो ऑफिशियल ऑर्डर भी हम दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है जिन्होंने ये संघर्ष किया है। और इसी के साथ साथ जम्मू वासी, सांबा वासी और आसपास के जितने भी पैराफेरिक के लोग हैं वो तमाम खुश नजर आ रहे हैं। मगर उसी बीच अगर हम बात करते हैं इस स्टेज को लेकर, जो पूरी तरह से आपने देखा था कि टीमें यहां पर पहुंची थी, उन्होंने निरीक्षण किया था, उस निरीक्षण के बाद जो है अब ये अहम फैसला निकलकर सामने नजर आया है कि उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरें बढ़ाने की बात कही गई है कि जो लखनपुर के अंदर टोल प्लाजा है उसमें कहीं ना कहीं दरें जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। क्या लगता है कि कितने प्रतिशत बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं इसी बात पर आने वाला था, मगर अब ये देखना होगा कि सरकार इस स्ट्रेच को किस तरह से देखती है, क्योंकि मेन ये देखा गया है कि जो बंद टोल प्लाजा का अगर जिक्र करते हैं, जो इस समय चाहे वो लखनपुर से लेके उधमपुर की बात करते हैं, उस बीच का एक बंद टोल प्लाजा का जो स्ट्रेच आता है, और कहीं ना कहीं इस लखनपुर के स्ट्रेच को भी रिवाइज करने की जो है इसकी अगर हम यूं कहें तो जिसके स्ट्रेच को लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट जिसे हम कह सकते हैं कि उसे किया जा सकता है। और उसके साथ साथ फीस में अभी अधिकतर तौर पर अगर हम यह कहें, ऑफिशियल कहें कि फीस को लेकर कोई स्ट्रक्चर को लेकर जो है वो अभी जारी नहीं किया गया है, मगर ये आने वाले समय में वो जरूर हो सकता है कि जो लखनपुर स्रोत लखनपुर का जो आने वाले समय में जो टोल जो है उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, जो संभावनाएं तय होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस ऑर्डर के मुताबिक अगर हम जिक्र करें, ये साफ जाहिर है कि जो लंबा संघर्ष था तमाम जम्मू वासियों का, सांबा वासियों का और अन्य पेरिफेरी की बात करते हैं तो तमाम लोगों ने ये खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद जरूर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से टोल प्लाजा को यहाँ पर हटा दिया गया है, लेकिन फिलहाल अब नजर हर किसी की दरों पर टिकती नजर आ रही है कि दरें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से लागू की जाएंगी, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष इन लोगों की तरफ से किया गया है, लेकिन अब रेट्स किस तरह से रहेंगे ये आने वाले समय बताएगा।